नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रू फैक्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिसिन नैट्रम म्यूरियाटिकम के सिम्टम। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन द्वारा नहीं भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपको निवास से मिलता रहे। होम्योपैथिक मेडिसिन नैट्रम म्यूरियाटिकम सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड ऑफ सोडियम के सिम्टम। नैट्रम म्यूरियाटिकम औषधि को चर्म रोगों की एक बहुत ही उपयोगी औषधि मानी जाती है। विभिन्न रोगों के लक्षणों के आधार पर नैट्रम म्यूरियाटिकम औषधि का उपयोग इस प्रकार है। जैसे मन से संबंधित लक्षण, मानसिक रोगों के लक्षणों में रोगी कभी तो खुद ही हंसने लगता है और कभी खुद ही रोने भी लगता है। कितनी भी खुशी की बात क्यों ना हो, रोगी के चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती है। रोगी हमेशा अकेले में बैठे रहना पसंद करता है। रोगी की आदत कमजोर हो जाती है। रोगी की अच्छा बुरा पहचानने की शक्ति कम हो जाती है। इन सारे लक्षणों को जानकर अगर रोगी को नैट्रम म्यूरियाटिकम औषधि का सेवन कराया जाए तो काफ़ी लाभदायक होता है। सिर से संबंधित लक्षण, सिर में बहुत तेजी से जलन होना, सिर में दर्द होने के कारण आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाना, मासिक स्राव के बाद या सुबह के समय जागने पर सिर में इस तरह का दर्द होना जैसे कि कोई सिर को बहुत बुरी तरह से ठोक रहा हो, सिर का बहुत ज़्यादा बड़ा सा लगना, सिर के एक भाग में दर्द होना, रोजाना सिर दर्द होने के साथ चेहरे का पीला भी पड़ जाना, जी मिचलाना, उल्टी होना, सिर में दर्द शुरू होने से पहले होठ, जीभ और नाक का सुन्न हो जाना, पुराना सिर का दर्द आदि लक्षणों में रोगी को नैट्रम म्यूरियाटिकम औषधि का सेवन कराना चाहिए। मुंह से संबंधित लक्षण, मुंह के रोग लक्षणों में रोगी को अपना मुंह सूखा हुआ सा लगता है। रोगी के जीभ, होठ और नाक के सुन्न हो जाने के साथ साथ गुदगुदी से भी होती है। जीभ पर छाले और जलन होने के कारण रोगी को बार बार ऐसा वहम होता है जैसे उसके जीभ के ऊपर कोई बाल चिपका हुआ हो। होठों पर मोतियों की तरह छाले से निकल जाता है। होठ और मुंह के कोने खुश से हो जाना, जीभ का आकार बिगड़ जाना, मुंह का स्वाद बिगड़ जाना, नीचे के होठों पर एक बड़ा सा छाला जिसमें सूजन से छाई रहती है, उसमें जलन भी होना, बार बार पानी पीने पर भी प्यास नहीं बुझना, इन सारे लक्षणों के आधार पर रोगी को नैट्रम म्यूरियाटिकम औषधि देना काफ़ी लाभकारी माना गया है। चेहरे से संबंधित लक्षण, रोगी का चेहरा इतना चिकना हो जाना कि किसी ने उस पर तेल पोत रखा हो, चेहरे का मटमैला सा हो जाना, बुखार के दौरान चेहरे के ऊपर दाने निकल जाना आदि लक्षणों में रोगी को नैट्रम म्यूरियाटिकम औषधि देने से काफ़ी लाभ मिलता है। आँखों से संबंधित लक्षण, पढ़ाई करने वाले बच्चों को होने वाला सिर का दर्द, आँखों की पलकों का भारी होना, आँखों की पेशियों के कमजोर पड़ने के साथ अकड़ जाना, आँखों के सामने अजीब अजीब से चीज़ें उड़ती हुई नजर आना, आँखों में जलन सी होना, आंसू की नली को दबाने पर उसमें से पीप सा निकलना, पलकों का सूज जाना, खांसते समय आंखों से आंसुओं का निकलना, नीचे की ओर देखने पर आंखों में दर्द भी होना, शुरुआती मोतियाबिंद जैसे आंखों के रोग लक्षणों में रोगी को नैट्रम म्यूरियाटिकम औषधि देने से काफ़ी लाभ मिलता है। सांस से संबंधित लक्षण, रोगी सुबह या शाम के समय लेटता है तो उसको खांसी होने लगती है। खांसी होने के साथ साथ रोगी के सिर में इस कदर दर्द होता है मानो सिर फटने वाला हो। सूखी खांसी होने के साथ ही रोगी को बलगम में खून आता है। सीने में किसी चीज़ के चुभाने जैसा दर्द महसूस होना आदि लक्षणों में रोगी को नैट्रम म्यूरियाटिकम औषधि का सेवन कराने से काफ़ी लाभ मिलता है। कान से संबंधित लक्षण, थोड़ा सा भी शोर शराबा होते ही कान में दर्द शुरू हो जाता है। कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ों के सुनने का गूंजना,
अधिकांश के रोगों में अक्सर लैटिनोटिकल औषधि का सेवन करने से काफ़ी लाभ मिलता है। नाक से संबंधित लक्षण, रोगी को बहुत तेज स्राव के साथ होने वाला सर्दी जुकाम जो लगभग 3 दिन तक रहता है, इसके बाद नाक बंद हो जाता है तथा सांस लेने में परेशानी होती है, नाक में से पानी जैसा सफ़ेद स्राव का निकलना, रोगी को बार बार छींकों का आना, बार बार छींक आना, किसी भी तरह की खुशबू या बदबू ना महसूस होना, नाक के अंदर दर्द सा होना आदि लक्षणों के आधार पर रोगी को नैटोमिलेटिकम औषधि का प्रयोग करना लाभदायक माना गया है। आमाशय से संबंधित लक्षण, रोगी जितना भी खा ले वह फिर भूखा ही रहता है, उसके बावजूद रोगी का शरीर कमजोर होता जाता है और दिल में जलन होने के साथ धड़कन का अनियमित होना, बार बार पानी पीने के बावजूद भी प्यास करना बुझना, भोजन करते समय पसीने से पूरा भीग जाना, मन में बहुत सारा नमक खाने की इच्छा होना, रोटी और मछली जैसे चीज़ों का नाम सुनते ही जी खराब हो जाना, पेट के अंदर जलन सी होना, इस तरह के रोगी के लक्षणों में नैटोमिलेटिकम औषधि का सेवन करना लाभदायक माना गया है। पेट से संबंधित लक्षण, पेट का फूल जाना, पेट के अंदर बहुत तेजी से होने वाला दर्द, खांसते समय पेट की चक्रिका में दर्द सा होना और जैसे लक्षणों के आधार पर नैटोमिलेटिकम औषधि का सेवन कराना लाभदायक माना गया है। मलांत से संबंधित लक्षण, मल क्रिया करने के बाद मल द्वार में जलन और किसी चीज के चुभने जैसा दर्द महसूस होना, मलद्वार का सिकुड़ा हुआ सा फटा हुआ होने के साथ उसमें से खून का आना, पेट में कब्ज का बनना, दस्त का बहुत ज्यादा और दर्द के साथ आना, पेट के अंदर किसी चीज के काट लिए जाने जैसा दर्द होना आदि लक्षणों में नैटोमिलेटिकम औषधि का सेवन कराना लाभदायक माना गया है। मूत्र पेशाब से संबंधित लक्षण, पेशाब करते समय पेशाब की नली से जलन सी होना, पेशाब की नली में जलन सी होना, पेशाब का बहुत ज़्यादा मात्रा में आना, चलते समय या खाते समय पेशाब का अपने ही आप निकल जाना, दूसरे व्यक्तियों के होने पर बहुत देर तक पेशाब उतरता ही नहीं है, दूसरे व्यक्तियों के सामने होने पर बहुत देर तक पेशाब नहीं उतरना, इस तरह के लक्षणों में अगर रोगी को नैटोमिलेटिकम औषधि दी जाए तो काफ़ी लाभ होता है। पुरुष रोग से संबंधित लक्षण, स्त्री के साथ संभोग क्रिया करने के बाद भी वृक्ष का निकलना जारी रहना, पेशाब का बूंद बूंद करके आना, मूत्राशय में बहुत तेजी से दर्द का होना, नपुंसकता के साथ वृक्ष का भी देर से निकलना, पुरुष रोगों के लक्षणों का इस तरह के लक्षणों के आधार पर रोगी को नैटोमिलेटिकम औषधि का प्रयोग करना लाभकारी माना जाता है। स्त्री से संबंधित लक्षण, स्त्री को संभोग क्रिया करने से डर सा लगना क्योंकि उसे लगता है कि क्रिया काफ़ी कष्टदायक होती है, स्त्री के प्रजनांगों के बालों का झड़ जाना, मासिक स्राव का समय पर न आना और बहुत ज़्यादा मात्रा में आना, योनि का खुश्क हो जाना, प्रदर योनि में से पानी आना और पानी और तीखा पानी जैसा आना, बच्चे को जन्म देने जैसा दर्द जो सुबह के समय बहुत ज़्यादा होता है, योनि के चिर जाने के साथ ही पेशाब करने के रास्ते में बहुत तेज दर्द होना, मासिक स्राव का दब जाना, मासिक स्राव के समय गर्मी का बहुत ज़्यादा लगना, इन सारे स्त्री रोगों के लक्षणों पर नैटोमिलेटिकम औषधि का सेवन कराना काफ़ी लाभदायक रहता है। चर्म त्वचा रोग, त्वचा से संबंधित लक्षण, रोगी की त्वचा का बिल्कुल चिकना हो जाना, जैसे कि बहुत सारा तेल डाल दिया गया, खास करके बालों वाले स्थान पर त्वचा पर बुखार के दौरान होने वाले छाले, छपाकी जिसमें खुजली और जलन होती रहती है, अंगों के मुड़ने वाले स्थानों पर, खोपड़ी के किनारों पर, कानों के पीछे के भागों में पपड़ी के साथ उद्भेद, बालों का उड़ जाना, हाथों की हथेली पर मस्से, छाजन होना, सितपित, ज़्यादा मेहनत करने के बाद शरीर में खुजली होना, जैसे त्वचा रोगों के लक्षणों में रोगी को नैटोमिलेटिकम औषधि देने से आराम मिलता है।
बुखार, बुखार संबंधी लक्षण। बुखार आने के लक्षणों में सबसे पहले रोगी को सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में काफ़ी ठंड लगने लगती है, शरीर में गर्मी बढ़ने के साथ बहुत ज़्यादा प्यास का लगना जो बुखार के साथ ही और तेज हो जाती है। बुखार के कारण शरीर पर दाने निकल जाना, बुखार के कारण शरीर पर दाने निकलना, मलेरिया का बुखार होने के कारण और शरीर में पानी की कमी होने के साथ ही कमजोरी आ जाना, पेट में कब्ज का बनना, भूख न लगना, ज़्यादा मेहनत करने से पसीना आना, इन सारे लक्षणों के आधार पर रोगी को नैटोमेटिक एनर्जी का सेवन कराने से लाभ मिलता है। नींद, नींद से संबंधित लक्षण। रोगी को दोपहर से पहले नींद सी आती रहती है, नींद के दौरान रोगी को स्नायु झटके से महसूस होते हैं, रोगी को नींद आने पर अजीब अजीब से सपने दिखाई देने लगते हैं, किसी तरह के दुख के कारण रोगी को बिल्कुल नींद नहीं आती है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को नैटोमेटिक एनर्जी का प्रयोग करना लाभदायक होता है। शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षण। रोगी के पीठ में दर्द होने के साथ ही रोगी को किसी सख्त चीज का सहारा चाहिए, शरीर में किसी तरह का हरकत होने से खून का दौरा तेज हो जाता है, हाथों की हथेलियाँ गर्म हो जाती है, पसीने से भीग जाती है और घुटने कमजोर हो जाते हैं, नाखूनों में सूजन आ जाती है, हाथ की उंगलियों जननेंद्रियों का सुन्न हो जाना, चलते समय जोरों में कड़कड़ाहट होना, टांगों में ठंडक महसूस के साथ ही सिर, छाती और आमाशय में खून जमा हो जाना, इस तरह के लक्षणों में रोगी को नैटोमेटिक एनर्जी का सेवन करने से लाभ मिलता है। दिल, दिल से संबंधित लक्षण। रोगी को दिल में ठंडक सी महसूस होती है, दिल और छाती ऐसे लगता है जैसे कि सिकुड़ गया हो, दिल की धड़कन और नाड़ी का अनियमित गति से चलना, दिल में जलन होना, दिल में जलन होना, लेटने के बाद दिल की धड़कन रुक रुक कर चलती है, इस तरह के लक्षणों में अगर रोगी को नैटोमेटिक एनर्जी दी जाए तो काफ़ी प्रभावशाली साबित होती है। वृद्धि, दोपहर होने के पहले लगभग 10 से 11 बजे तक समुद्र के किनारे या समुद्री हवा से, सूरज और अंगीठी की गर्मी से, ज़्यादा दिमागी काम करने से, बात करने से, पढ़ने लिखने से और लेटने से रोग बढ़ जाता है। शमन, खुली हवा में, ठंडे पानी से नहाने से, ठीक समय पर भोजन ना करने से, दाई तरफ ही करवट लेटने से, दाई तरफ ही करवट लेटने से, जिस तरफ दर्द उस तरफ लेटने से रोग कम हो जाता है। पूरक, एपिस, सीपिया, इग्नेसिया, प्रतिविष, फास्फोरस, आर्सेनिक, औषधि का उपयोग नैटोमेटिक औषधि की हानिकारक प्रभाव को नष्ट करने के लिए किया जाता है। नैटोमेटिक औषधि की तुलना आप नैट्रम सिलिनियम से कर सकते हैं, नैट्रम सिलिकम से भी कर सकते हैं, डेलिकॉस से भी कर सकते हैं, आप फेगोपा से भी कर सकते हैं, इग्नेसिया, सीपिया, थूजा, ग्रेफाइटिस से भी आप इसकी तुलना कर सकते हैं। मात्रा, नैटोमेटिक औषधि की 12वीं शक्ति से लेकर 30वीं शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को नैटोमेटिक औषधि की ऊंची शक्तियाँ देना वो ज़्यादा लाभकारी होती है, लेकिन इस औषधि को बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। कृपया ध्यान दीजिए, रोगी को नैटोमेटिक औषधि की ऊंची शक्तियाँ देने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, लेकिन इस औषधि का रोगी को बार बार नहीं देना चाहिए। हम अपने अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।